मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको ये दे सकता हूँ बेस्ड अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस कि कभी भी खाली मत रहो, कुछ भी करो. The moment you bring something in practice, either you will succeed in it or you will fail. So whether you succeed or you fail, you need to let it go and keep on building your practice. गलतियां करो but learn from it. सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ दिया. समझ गए कि मैंने ये सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, व्हाटएवर, आपने टॉप कर दिया कहीं पर. तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट. सिर्फ वो स्टेबल है इस पूरी दुनिया में जो इस बदलती हुई दुनिया को यानी कि चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग चेंज होता चला जा रहा है. उस चेंज होने को क्रिएटिविटी कहते हैं. सिचुएशंस जब बदलती है उसके हिसाब से अपने आप को बदल लेना और बड़ी तेजी से बदल लेना ही क्रिएटिव थिंकिंग है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. आपका बेसिक नेचर अगर खुश रहने का है तो आप कहीं भी खुश रह लोगे, और बेसिक नेचर दुखी रहने का है तो आपको कुछ भी दे दिया जाए, एक महल में भी ले आकर के बिठा दिया जाए, वहां भी रोते रहोगे कि क्या मेरे को महल में कैद कर दिया. अबे महल में है, कैद क्या होता है, समझ गए. और जिसका खुश रहने का है वो झुकी झोपड़ियों में भी खुश है, गणपति डांस रहे हैं, दे धड़ाधर नाच रहा है. मस्त होते हैं ऐसे लोग, कभी देखना आप. मतलब जिसका मस्त रहने का नेचर है वो मस्त ही है, और जिसका दुखी रहने का है वो कुछ भी उसको मिल जाए, कुछ भी वो कर ले, वो दुखी ही रहेगा. तो आपको देखना है कि मेरे को अपना बेसिक नेचर कैसा बनाना है. अपनी इंटेंशंस हमेशा सही रखनी, ऑनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन स्किल्स में इससे बड़ी चीज और क्या होगी. आपके बोलने की पावर इतनी अच्छी नहीं है, आप बोलते अच्छे से नहीं हो, लेकिन आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो, आपकी इंटेंशन अच्छी है उस बंदे को लेकर के, खराब नहीं है, तो आपकी आंखों में दिखेगा, सामने वाले को समझ आ जाएगा, वो वाइब्रेशन उसको पकड़ में आ जाएगी, वो फील कर लेगा, कहेगा कि हाँ यार ये जो बंदा है ना इन सारी टेक्निक्स को यूज तो कर रहा है लेकिन अल्टीमेटली मेरे अच्छे के लिए कर रहा है. किसी करियर में कुछ पड़ा नहीं है, हमारे ऊपर है उस करियर को हम किस लेवल तक ले जा सकते हैं. कबाड़ी का भी काम है ना, तो आपको करोड़पति कबाड़ी भी मिल जाएंगे अगर ढूंढोगे तो, अरबोपति भी मिल जाएंगे. आप समझ गए. तो ये नजर है देखने की. जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या लाइफ में कुछ बड़ा कर जाते हैं ना, उनकी नजर औरों से अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है. और लोग क्या होते हैं, वो यही सोचते रहते हैं कि कहीं कुछ बड़ा आएगा तब मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा. वो ये नहीं समझ पाते हर बड़े की शुरुआत छोटे से होती है. लोग ये समझ लेते हैं कि हम सक्सेसफुल तब होंगे लाइफ में जब हम कभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे, जब हम कभी फेल ही नहीं होंगे, जब हम कभी कोई गलतियां ही नहीं करेंगे, जब हम कभी गलत ट्रैक पे नहीं चलेंगे. सब कुछ करते हैं अचीवर्स भी, सक्सेसफुल लोग सारे दुनिया जहान के गलत काम करते हैं, आपसे ज्यादा करते हैं, बट फर्क क्या है, वो इंपॉर्टेंस देते हैं अपने सही कामों को. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप क्या बोल रहे हो औरों को, या बाहर से दुनिया को क्या दिखा रहे हो कि मैं तो ये करने वाला हूं, मैं तो ये करने वाली हूं, मैं ये कर जाऊंगा, नेवर गिव अप, ये वो व्हाटएवर, करेज होना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये है, इसको ध्यान से समझना कि जब आप अकेले में हो तब आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हो. अकेले में 24 घंटे जो आप अपने अंदर ही अंदर अपने बारे में बोलते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो, वैसा ही आपके साथ में होता है, क्योंकि उसी लेवल के आपके एक्शंस होते हैं, उसी लेवल की आपकी एनर्जी होती है. आई गो बाय माई चॉइस, या तो मैं किसी काम को करूंगा ही नहीं, बट इफ आई चूज टू डू समथिंग देन फिर मेरे लिए फेलियर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, आपकी बात सुन करके नहीं लेकिन किसी दिन मेरे अंदर से ही आ गया कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता. अब कैसे नहीं रोक सकता, अब आप कहोगे नहीं नहीं हम तो रोक देंगे जी, हम हंसेंगे नहीं. नहीं हंसोगे, एक बार फेल होऊंगा, दो बार होऊंगा, 100 बार होऊंगा, 1000 बार होऊंगा, 1001वीं बार ऐसी एंट्री मारूंगा, हंस हंस के आपका बुरा हाल होगा.